पहला शरण में हम निकाल पाऊंगा कौन घुसपैठी है कौन नहीं है। फिर जो घुसपैठी है उनको भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आज ही धक्का मार देगा, पूछा जाएगा भाई आपका कुछ अतिरिक्त दस्तावेज है तो आप दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तबको आपको जाना पड़ेगा, या तो खुद जाओ या तो हमें धक्का मारे। डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं कि कोई डेमोग्राफी सेंस पहला बार उनको, मेरा लगता है उनका डेमोग्राफी का मीनिंग ही पता नहीं है। झारखंड में मैं तो आपको बता ही रहा हूँ हर साल अभी आदिवासी घाटा है, ये डेमोग्राफी सेंस बोलता है। मुसलमान जनसंख्या बढ़ा है, ये डेमोग्राफी सेंस लगता है। हेमंत सोरेन जी को शायद डेमोग्राफी का बारे में वो पढ़ा नहीं है, खुद ही बोल रहा है आदिवासी संख्या घट रहा है और बोल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। अरे दोनों बात तो सच नहीं हो सकता है। तो हेमंत सोरेन जी शायद अभी वो पावर का मोह में, समता का लालच में वो बहुत ज्यादा डूब चुका है। आदिवासियों के लिए चिंता करने का उनका शायद अभी समय नहीं। देखिए एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा, यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय, सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा, कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दूंगा। पहला शरण में हम निकाल पाऊंगा कौन घुसपैठी है कौन नहीं है। फिर जो घुसपैठी है उनको भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आज ही धक्का मार देगा, पूछा जाएगा भाई आपका कुछ अतिरिक्त दस्तावेज है तो आप दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तबको आपको जाना पड़ेगा, या तो खुद जाओ या तो हमें धक्का मारे। डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं कि कोई डेमोग्राफी सेंस पहला बार उनको, मेरा लगता है उनका डेमोग्राफी का मीनिंग ही पता नहीं है। झारखंड में मैं तो आपको बता ही रहा हूँ हर साल अभी आदिवासी घाटा है, ये डेमोग्राफी सेंस बोलता है। मुसलमान जनसंख्या बढ़ा है, ये डेमोग्राफी सेंस लगता है। हेमंत सोरेन जी को शायद डेमोग्राफी का बारे में वो पढ़ा नहीं है, खुद ही बोल रहा है आदिवासी संख्या घट रहा है और बोल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। अरे दोनों बात तो सच नहीं हो सकता है। तो हेमंत सोरेन जी शायद अभी वो पावर का मोह में, समता का लालच में वो बहुत ज्यादा डूब चुका है। आदिवासियों के लिए चिंता करने का उनका शायद अभी समय नहीं। आरोप भी एक चुनावी मुद्दा होगा। देखिए एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा, यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय, सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा, कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।